Hello everyone, in this video lecture of digital electronics or digital system design, I am going to discuss one problem of 5 variable K-map. According to the question, simplify the following boolean function using K-map. ठीक है, कहीं भी mention नहीं है कि this is 5 variable, but जब आपने function देखा तो A, B, C, D, E, there was 5 variable. ठीक, तो now number of variables n is equal to क्या है? 5. तो number of mean terms और हम कह सकते हैं नंबर ऑफ सेल्स इन के मैप कितनी होंगी, 2 रेज टू पावर n मींस 2 रेज टू पावर 5 इज इक्वल टू 32, मींस कि मीन टर्म 32 होंगे और यू कैन से सेल कितने होंगे 32. नाउ व्हाट इज द रेंज ऑफ दीज नंबर्स, रेंज जो होगी दैट इज 0 टू 2 रेज टू पावर n माइनस 1 मींस 0 टू 31. क्लियर, ये हो गया. नाउ अब हम पहले डेसिमल नंबर्स को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, मैंने यहाँ कुछ नंबर्स लिख लिए हैं. फॉर एग्जांपल 0 क्या होगा 5 वेरिएबल में, 5 टाइम्स 0. 1 के लिए क्या होगा 0 0 0 0 1. फॉर 2 क्या होगा 0 0 0 1 0. फॉर 14 क्या होगा 0 1 1 1 0. फॉर 15 क्या होगा 0 1 1 1 1. ठीक, नाउ फॉर 16 क्या होगा, 16 के लिए ये 1 होगा 0 0 0 0. फॉर 17 1 0 0 0 1. फॉर 18 1 0 0 1 1. नाउ फॉर 30 व्हाट इज द वैल्यू, 1 1 1 1 0. यहाँ क्या होगा 1 1 1 1 1. ठीक, मेरा ये बताने का सिर्फ और सिर्फ ये एम था कि नाउ अगर आप देखते हो 0 और 16 की, अगर फर्स्ट बिट को आप ना देखो तो रिमेनिंग क्या है, सेम. मींस कि टिल 0 टू 15, 0 टू 15 A is equal to 0 for all 16 combination. In the same way, अगर आप चेक करो 16 to 31 A is equal to 1 for all 16 combination. ठीक, means कि हम क्या करेंगे, 1 K map draw करेंगे for this, 1 K map draw करेंगे for this. ठीक, then हम उसको simplify करेंगे. तो मैं 2 K maps बना लेती हूँ. ये मैंने स्क्वायर्स बना लिए. फर्स्ट हमारा जो के मैप होगा, दिस के मैप फॉर ए इज इक्वल टू 0, मींस कि ए बार के लिए. दिस इज फॉर ए इज इक्वल टू 1, मींस फॉर ए. ठीक, नाउ अब हमें यहां पर एक्सेस पे वेरिएबल शो करने हैं. इस एक्सेस पर मैंने लिया बी सी, इस एक्सेस पर डी ई. इन बोथ केसेस सेम, यहां पर क्या होगा बी सी, यहां क्या होगा डी ई. ठीक है, नाउ बी सी को हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर बी बार सी बार बी बार सी बी सी बी सी बार. इधर क्या होगा डी बार ई बार डी बार ई डी ई डी ई बार. डन, सेम वे हम यहाँ पर भी लिख लेते हैं, बी बार सी बार बी बार सी बी सी बार. यहाँ क्या होगा डी बार ई बार डी बार ई डी ई डी ई बार. नाउ यहाँ पर क्या होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 इस तरह 16 17 18 19. अगर आप ऐसे लिख लेते हो तो आपके क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस नहीं रहते. ठीक है, क्योंकि आप सही प्लॉटिंग करोगे. 24 25 26 27 28 29 30 and 31. ठीक, ये तो हमारी प्लॉटिंग हो गई. नाउ अब हमारा जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंगली हम वैल्यूज को यहाँ पुट करते हैं. तो नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो मीन टर्म्स हमें गिवन है वो क्या है हमारे, सबसे पहले है 0 मींस कि यहाँ 1 होगा, यहाँ 1 मींस यहाँ पर 1. नाउ नेक्स्ट मीन टर्म इज 4 मींस 1, नेक्स्ट मीन टर्म इज 5 मींस 1, नेक्स्ट मीन टर्म इज 16 मींस 1, 17 1, 21 तो यहाँ क्या होगा 1, 25 तो 25 इज 1, 29 तो 29 इज 1. ठीक, ये मैंने प्लॉटिंग कर दी. अब हमें इसे क्या करना है, कॉम्बिनेशंस बनाने हैं. हमारा मेन एम होता है मैक्स टू मैक्स मीन टर्म को कवर करना, मींस कि जितनी बड़ी हमारी ग्रुपिंग हो सके. तो नाउ अगर हम इस के मैप को देखें तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 4 मीन टर्म्स हैं और वो सारे के सारे एक साथ हैं, मींस कि हमारा एक ग्रुप फॉर्म होगा दिस वन. ठीक है, नाउ इस केस में इसके लिए हमारा के मैप जो यूज हुआ वो क्या था, ए बार का. तो जब हम फंक्शन देखेंगे एफ इज इक्वल टू फॉर दिस ए बार इंक्लूड होगा, देन ये दो रो यूज हुई तो व्हाट इज कॉमन फ्रॉम दीज टू रो, बी बार
ठीक, ये दो कॉलम्स यूज हुए, व्हाट इज द कॉमन फ्रॉम दीज टू कॉलम्स, डी बार, ठीक, तो क्या हो गया ए बार बी बार डी बार फॉर दिस। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं, नाउ 1 2 3 4 ये हमारा एक क्वाड बनेगा, ठीक है, ये हमने क्वाड लिया, इसके लिए क्या हो जाएगा, किस के मैप का है, ए का, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे ए, ठीक है। नाउ ये सारे के सारे रो यूज हो गए, मीन्स कि ये सारी वैल्यूज वन हो गई। नाउ कॉलम क्या यूज हुआ, डी बार ई, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे डी बार ई, ठीक। नाउ अब हमारा एक मिन टर्म बचता है, हमारे पास ऑप्शन है कि आइदर हम इसको पेयर अप कर दें इसके साथ, बट हम चेक करेंगे कि हमारी मैक्स टू मैक्स कवर हो, मीन्स कि पेयर से अच्छा है कि हमारा क्वाड बने। तो नाउ अगर हम यहाँ पर देखें, इस के मैप का ये ग्रुप और इस के मैप का ये ग्रुप, ये दोनों सेम पोजीशन पे हैं, मीन्स कि इनकी ग्रुपिंग होगी, जब इनकी ग्रुपिंग होगी तो हमने जो ये पेयर बनाया उसमें हमारे दोनों के मैप यूज हुए, ए बार भी ए बी, तो ए बार प्लस ए क्या होगा वन हो जाएगा, तो ए की वैल्यू खत्म हो गई। नाउ फ्रॉम दिस रो दोनों का बी बार सी बार यूज हुआ, इसका भी और इसका भी, तो यहाँ क्या यूज होगा बी बार सी बार, ठीक, फ्रॉम बोथ के मैप, ठीक है। कॉलम्स हमारे क्या यूज हुए, स्टार्टिंग के टू, तो किसी एक को ऑब्जर्व करते हैं, और व्हाट इज द कॉमन वैल्यू डी बार, ठीक है। तो दिस इज द फाइनल सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस फॉर के मैप। नाउ मैं आपको इसको नैंड गेट से भी इंप्लीमेंट करके शो कर देती हूं कि अगर हमें सिर्फ और सिर्फ नैंड नैंड से इंप्लीमेंट करना हो तो हम कैसे करेंगे, मैंने नैंड नैंड इंप्लीमेंटेशन कैसे करते हैं वो ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है वीडियोज में। इसमें मैं डायरेक्टली, अगर आपके पास इक्वेशन आ गई और कहा कि सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन यूजिंग के मैप एंड रिप्रेजेंट या ड्रॉ द डायग्राम बाई यूजिंग नैंड गेट ओनली, तो डायरेक्टली कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। 1 2 3 थ्री प्रोडक्ट टर्म है, तो हम यहाँ पर 3 नैंड गेट लेंगे, 1 2 3, ठीक, यहाँ बबल, यहाँ बबल, यहाँ बबल, ठीक। फर्स्ट एंड गेट के लिए क्या है, ए बार बी बार डी बार, तो आइदर आप क्या कर सकते हो, नॉट गेट के थ्रू अप्लाई करोगे, और आप डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हो, वहाँ मैंशन करना ए बार बी बार एंड डी बार, ठीक। नाउ इसके लिए क्या है, ए डी बार और ई, ठीक है, तो आप ऐसे इंडिविजुअल भी शो कर सकते हो और आप इस डी बार से इसको कनेक्ट भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्या है हमारा, बी बार सी बार डी बार, बी बार सी बार डी बार, ठीक। नाउ इसका और हुआ है, तो हम यहां पर क्या करेंगे, वन मोर नैंड गेट यूज करेंगे, ठीक है। दिस इज द लॉजिक डायग्राम फॉर गिवन एक्सप्रेशन यूजिंग नैंड गेट्स ओनली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टिल यू हैव एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन प्लीज राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन, थैंक यू।